रेहान अहमद बने समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रयागराज, अखिलेश यादव व प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने अधिवक्ता रेहान अहमद को समाजवादी अधिवक्ता सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। आज समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद क्रांतिकारी नेता रेहान अहमद ने बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा हाईकोर्ट पर माल्यार्पण करते हुए संविधान, आरक्षण और पीडीए की एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। इलाहाबाद क्रांतिकारी नेता रेहान अहमद को अधिवक्ता सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर जिला और महानगर अध्यक्ष के साथ सभी वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दिया। अधिवक्ता मुस्ताक अहमद, जितेंद्र कुमार, शेरूक मोहम्मद साउथ, फैजान सिद्दीकी सहित सभी अधिवक्ता साथी शामिल रहे। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कमजोर और शिक्षित होने के नाते मुझे आज अधिवक्ता सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, जिसके मकसद से हम लोग यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करके आज ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण के लिए और अधिवक्ता हितों के लिए परस्पर निरंतर हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए समाज को मजबूत करते हुए इन तानाशाहियों के खिलाफ अधिवक्ता समाज को साथ लेकर अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। मैं रेहान अहमद प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी।